स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्हाई पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। अर्थ का पोटेंशियल शून्य जीरो क्यों है? स्टूडेंट्स, इसका एक ही आंसर दिया जाता है कि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है तो इसलिए अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ये फॉर्मूला देखो, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 r, तो r कौन है? रेडियस ऑफ अर्थ वेरी लार्ज। हम बोलते हैं कि अगर रेडियस ऑफ अर्थ वेरी लार्ज है तो पोटेंशियल V जीरो हो जाएगा। r टेंड्स टू वेरी लार्ज, V जीरो। पर स्टूडेंट्स, ये गलत है। स्टूडेंट्स, 1/4πε0 का 9×10⁻⁹ वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4×10⁵। और क्यू अगर आप 1 कूलम ले लें, स्टार्ट कूलम ले लें, तो वी का वैल्यू कुछ ना कुछ रहता है। स्टूडेंट्स, अर्थ पे पोटेंशियल जीरो क्यों है, इसके ऊपर एक सोच स्टूडेंट्स क्या निकल के आती है कि अर्थ जो है इसके ऊपर कॉस्मिक शावर से चार्ज गिरता रहता है, तो एज ए रिजल्ट अर्थ के ऊपर, सारी अर्थ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता रहता है। जैसे ये क्लाउड्स आते हैं अर्थ के ऊपर, तो क्लाउड्स के ऊपर इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। अब क्लाउड और अर्थ के बीच में जो एयर है वो डायलैक्ट्रिक की तरह बिहेव करती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है, अर्थ का नेगेटिव चार्ज, क्लाउड का पॉजिटिव चार्ज, तो ये डायलैक्ट्रिक पंचर हो जाता है। उसमें पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फट जाते हैं, तो लाइटनिंग होती है, जिसको आप बिजली का गिरना बोलते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ के ऊपर चार्ज न्यूट्रलाइज होता है और अर्थ का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। जब क्यू जीरो हो गया तो पोटेंशियल भी जीरो हो गया। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है अर्थ के ऊपर 10⁻¹⁴ लाइटनिंग्स होती रहती हैं 24 आवर्स में, और इसलिए अर्थ का नेट चार्ज जीरो रहता है। स्टूडेंट्स, ये एक डिस्कशन मेरी टीचिंग के एक्सपीरियंस से निकल के आई, जो मैंने आपसे शेयर की है, और ये हिंदी वर्जन में मैंने डाला है। और जो मेरे हिंदी लेक्चर्स को लेना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाके अपना रिएक्शन दें, अपनी प्रतिक्रिया दें, और कोशिश करूँगा मैं सारे लेक्चर्स हिंदी में भी डालूँ, इंग्लिश के साथ साथ। थैंक यू, धन्यवाद।